सिंह जी, किसने कहा तुम्हें रखने के लिए? जी के बच्चे, तुम्हें किसने कहा रखने के लिए? मैं पूछता हूँ, किसने कहा तुम्हें रखने के लिए? बताओ, बताओ, मैं कहता हूँ किसने कहा? नहीं बताता, नहीं बताता, बताओ, बताओ, पार्टनर मेरे अंदर जी बॉस, आधी रकम पेश की है और बाकी माल सलाह पर होटल मिल जाएगा। वंडरफुल भैरू, वंडरफुल। लेकिन इस बात की खबर अशोक बाबू को कानों कान न हो। हाँ, क्या बात करते हैं आप, उसके फरिश्ते को भी इसकी खबर नहीं हो। बेईमानी का पैसा छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मैंने सब कुछ सुन लिया। जब सुन ही लिया है तो हाल सब आंक लें। 50-50। खामोश, मैं ऐसे पैसे को छूना पाप समझता हूँ। हम तो बिजनेसमैन हैं अशोक बाबू, और बिजनेसमैन को तो हर चीज जायजा। अगर आप मेरे बिजनेस पार्टनर ना होते तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर देता। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते अशोक बाबू, आपका रुआ रुआ मेरे एहसान तले दबा हुआ है। याद कीजिए वो दिन जब ये फैक्ट्री नीलाम हो रही थी, तमाम कर्जदारों के पैसे चुकाकर मैंने आपकी इज्जत बचाई। कि मुझे मालूम होता कि आप ऐसे आदमी नारायण बाबू, मैं आपका एक भी एहसान न लेता। खैर, ये मेरी आपको आखिरी वार्निंग है, जिससे ये पैसे लिए उसे वापस कर दीजिए, और जो ट्रैक्टर में माल लदा हुआ उसे फौरन उतरवा दीजिए। ये मेरा हुक्म है। लो बॉस, अब तो आपका पार्टनर भी आपको हुक्म देने लगा। पानी सर से गुजर रहा है भैरों, अगर मैंने इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी नारायण दास होगी मल नहीं। बन जाओ तुम मेरे।
लिए कौन आया? उस्ताद तुम्हारा लक तो आज जोरों पर है। आज कोई माई का लाल मुझे जीत नहीं सकता। अच्छा ये बात है। ये रही डबल, मैं भी आया डबल। एक और, एक और। अच्छा तो शो, ये रहा तुम्हारा चचा, ये रहा तुम्हारा पिता, और ये रहा तुम्हारा दादा। बकवास बंद करो। दो यक्के मेरे पास और तीन यक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैं भी यही पूछता हूँ कि तुम्हारे पास दो यक्के कहाँ से आए जबकि तीन मेरे पास है। कमीने 420। 420 ही तू करता है लफंगा बदमाश बंदा। जबान संभाल के बात कर वरना दर्द निकालते। जा, जब तू फंसा तो नहीं। बाबू नहीं है, ये गंगू बदमाश है। गंगू बदमाश? लेकिन बॉस ये तो बिल्कुल करेक्ट, इसीलिए यहाँ लाया हूँ।
अगर इसकी दाढ़ी मुझे हरा भी जाए तो ये अशोक की जगह ले सकता है। गंगू तुम उस कमरे में जाओ और अपना हुलिया तब्दील करो। गो रीना, अशोक से ताल्लुकात कहाँ तक पहुँचे? काफी हद तक बॉस, मेरी तो आज शाम भी उसके साथ अपॉइंटमेंट है। गुड, वेरी गुड, दैट्स अ स्प्रिट बेबी।
खबर वाली? कभी हमसे भी बात कर लिया तो? Oh, you old man. कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हमारे हाथ आओगी, और जब हाथ आओगी तो बस देखा जाए. डोंट डरो, डोंट डरो मेरी जान. ये तो दिल की बातें हैं, अगर समझ सको तो. देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करके फूल तोड़कर लाया हूँ, अगर इजाजत हो तो तुम्हारे चूल्हे में लगा दूँ. हरगिज़ नहीं. सोने दे, चोरी का माल एक कंपनी बाग से चुरा कर लाया है. What? नो नो, तुम चोरी करता? और नहीं तो क्या करता, पर ये चोरी का नहीं है. देखो कितना सुंदर है, ये भी भीख मांग के लाया है, और वो भी फूल वाली से. What? हाँ. तुम फूल वाले के पास जाता? अरे डार्लिंग तुम्हारे प्यार में कहाँ कहाँ नहीं जाता, फूल वाली तो क्या, मैं तो फूल वाले के पास भी जाता हूँ. तुम दोनों उल्लू के माथे लगता. तू उल्लू लगता है. फोन मत करो. अबे ये फाफा क्या करता है? ये फाफा क्या कर रहा है? अरे ये मैं सा को फा बोलता है. साफ आया. इसका मतलब है ये फा को सा बोलता है? फिर फलाओ. ये सा करो. नमस्ते अशोक बाबू. नमस्ते. लगता है अशोक बाबू कि आप अभी तक मुझसे नाराज हैं. कल की गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ. नारायण जी मैं पैसा जरूर कमाना चाहता हूँ, मगर ईमानदारी से. ऐसे पैसे का क्या फायदा जो इंसान को अपनी ही नजरों में गिरा दे. मैं शर्मिंदा हूँ अशोक बाबू, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं होगी. खैर जाने दीजिए नारायण जी, जो हुआ सो हुआ. वो कल वाले ट्रकों पे माल का क्या हुआ? आपकी मर्जी के मुताबिक सही माल लदवा दिया है, आज रवाना हो जाए. वेरी गुड, वेरी वेल डन. थैंक यू. दैट्स राइट. हेलो. पहचाना तो? कौन बोल रही हूँ? मैं रीना बोल रही हूँ. तुम ऑफिस चले गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार यहाँ करती रह गई. आई एम वेरी सॉरी रीना. रीना आज मुझे ऑफिस में काम ज्यादा है, क्योंकि कुछ ऑर्डर ज्यादा आ गए हैं और. कोई बहाना नहीं चलेगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी. रीना प्लीज. तुम्हें मेरी कसम. आओगी ना? अभी आता हूँ. कुछ आर्चन पेपर से साइन करने को मांगता. तुम ऐसे करो, नारायण सर दस्तखत करवा लो, मुझे तरफ जल्दी है. अशोक बाबू, अशोक बाबू, वो हमारी स्कीम का क्या हुआ? देखो मुझे आज फुर्सत नहीं है, एक हफ्ते बाद आना. मां कसम ऐसा वंडरफुल फार्मूला है कि सुनेंगे तो आना जाना भूल जाएंगे. कर्मचारी मुझे फुर्सत नहीं है, मैं जल्दी में मुझे आने दो प्लीज. सफेद जाने देने भाई, एक हफ्ते बाद हो जाएगा. मेरे लाल एक हफ्ते तक तो स्कीम पुरानी हो जाएगी. तो है. न जाने क्या हो गया है अशोक बाबू को. मैं तो समझा था कि जाते ही स्कीम अपनी पास हो जाएगी और कुछ माल वाल मिलेगा, लेकिन ये अशोक बाबू. पहले ही कहा था घर से किसी अच्छे का मुंह देखकर निकल. जब घर से चले थे तो तेरा ही थोबड़ा देखा था पहले. जो मैं झूठ बोलता है, इस डॉली के चक्कर में 50 बार शीशे में अपना थोबड़ा देख रहा था. अबे चपड़ कंचू, शीशा मेरा था और थोबड़ा तेरा था. और यहाँ आकर के नारायण दास इन कंपनी का थोबड़ा देख लिया है, बना बनाया काम भी कर. प्रमिला नहीं माफ करना, मुझे आज जरूरी काम से जाना है, कल मिलेंगे. ओके. तो क्या आज शाम को आप नहीं आएंगे? शाम को? अरे मैं तो भूल गया, आज तुम्हारा बर्थडे है ना. अच्छा किया तुमने याद दिलवाया, मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रेजेंट लाऊंगा. प्रेजेंट की क्या जरूरत है, आप आ जाएंगे मेरे लिए काफी है. मैं जरूर आऊंगा. अशोक अगर आज भी आप नहीं आए तो सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी. आप आएंगे ना? प्रमिला तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? भरोसा तो था, मगर मुझे डर सा लगता है. पगली कहीं. अच्छा तो मैं शाम को जरूर आऊंगा. प्रमिला जी अशोक बाबू तो चले गए. वो मिले थे. तुम मिले थे? कमाल है, मेरे लाल रास्ते में छोड़कर चले गए. न जाने आजकल इनको क्या हो गया है, जब से ये नारायण कंपनी पार्टनरशिप में आई है मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है. जरूर कोई बात है,
ऐसी बात नहीं प्रेम पुजारी, मुझे तो लगता है वो अपने काम में काफी बिजी है। अरे बिजी तो पहले भी था मेरे लाल अपने बिजनेस में, लेकिन एक पल भी तुम्हारे बगैर सही नहीं पड़ता था उसको। और बिजनेस में कितनी चला लेते, चला लेते। छोड़ो इन बातों को। कैसे छोड़ दो प्रेम लेख, हमारे आपके साथ ना इंसाफी हो, पर हम देखते रहे। मैं तो कहता हूँ ये जरूर कोई चक्कर, चक्कर नहीं बैठ चक्कर है। कभी कभी अपनी नजर खुद ही लग जाया करती है। चुप रहना गीता, आज उसके सवरिया आने वाले हैं। पमीला गुजरा और ज्यादा अल्पनिक से कहीं बच के जाने ना पाए। अरे दोनों घायल हो गए तो फिर क्या होगा? फिर हम सब कब्र में हड्डी बन जाएगा। बंद करो ये बकवास, मैं चाहती हूँ। अब ना बोलना वरना शादी में नहीं बुलाएगी। अरे बाप रे, 8 बज गए, लगता है अशोक बाबू कहीं खो गए या नहीं तो गुम हो गए। वो तुम्हारी तरह बेकार नहीं है, किसी काम से रुक गए होंगे। हाय वाह विद्या, भरोसा हो तो इतना। मिस्टर अशोक अपने गर्लफ्रेंड के वास्ते प्रेजेंट चूज करता होगा, उसके वास्ते लेट हो गया। अरे बाप रे, बहुत भूख लगी है, जो चाहता है सब खा जाओ। क्या हुआ कमला, मिस्टर अशोक अभी तक नहीं है? बताते ही होंगे भैया। अच्छा मुझे देर हो रही है, सेठ रामदास से मुझे 8 बजे पहुँचना है, अगर इजाजत दो तो जाओ। भैया जल्दी आ जाना जरूर। हाँ ये केक रखना मेरे लिए, मेरे तो ये सब की सब भूखी नजर आ रही है, कहीं खत्म ना कर डाल। देर से आओगे तो बढ़ेगा, यहाँ तो सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे भाई हम तो बहुत बोर हो गए, अब तो कुछ सुना दो। गाना चुपके हो गए, प्लीज सिंग।
क्या कहना रखना कोई मिला तुम माफ करना मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ सका कोई बात है अगले साल खूब धूम से तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे मैं नहीं जानती थी कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची है अब शराब भी पीने लगे शराब अरे पगली प्यार से कोई जहर भी पिलाए तो पी लिया करते क्योंकि मैं जानी तुमने मुझे प्यार से पिलाई थी ना अमृत अमृत जहर नहीं ये कहाँ है अरे मैं तो भूल ही गया यह प्रमिला और सिर्फ प्रमिला प्रमिला यह रीना डार्लिंग बहुत अच्छी डांसर है अगले साल तुम्हारे बर्थडे पर धूम मचाएंगे खूब नाची नाचती है और नचाती भी है लगता है काफी माहिर है अपने काम में कितने घरों जा चुकी है आज तक से पहले उसके असलियत का पता चल गया वरना बाद में तो कोई इलाज ही नहीं पता नहीं भैया को ऐसे नहीं है रीना ने उन्हें गलत रास्ते पे डाल दिया एफर्ट के आदमी को अगर तुम बच्चा समझती हो तो ये तुम्हारी भूल है कोई किसी को गुमराह नहीं करता प्रमिला आग वहीं भड़कती है यहाँ चिंगारी छुपी होती है भैया मैं उन्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ ज्यादा समझती हूँ धोखा खाकर भी तुम अभी तक नादान बनी हो धोखा मैंने नहीं खाया धोखा उन्हें दिया जा रहा है एक हमारा लड़की को घर बसाने का शौक कैसे हो गया भैया आप उन्हें क्यों नहीं जाके समझाते वो आपकी बात कभी नहीं जानेंगे कभी नहीं मुझे ऐसे आदमी की सूरत से सख्त नफरत है और बेहतर यही कि तुम इसे भूल जाओ भैया मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात में दखल नहीं दिया लेकिन अब सोचता हूँ कि मैंने गलती की बड़ा भाई हर हालत में पिता का फर्ज अदा करता है और अब ये जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा भगवान के लिए आप मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए मैं अशोक बाबू के बगैर नहीं रह सकती प्रमिला मैं इस मामले में ज्यादा बहस करना पसंद नहीं करता तुम एक इज्जतदार घराने की लड़की हो इससे पहले कि दुनिया तुम पर हंसे लोग तुम पर उंगली उठाएं तुम खुद अपने इस देश को बदल डालो समझी ब्रह्मचारी मुबारक हो रीना बाई की शादी मेरे लाल के साथ हो रही है मेरे लाल को तेरा बाप समझता नहीं अशोक बाबू अबे लानत है तेरी मुबारकबाद पर प्रमिला बहन की जिंदगी में इसी कार्ड ने आग लगाई है तुम इसमें आग लगा दे किसी के शादी का कार्ड जलाना मनुष्यत होती है समझा सच भगवान की कसम तो लाते मुझे मैं इसको आजमाता हूँ ये देखा स्वाहा रीना देवी स्वाहा ओम ब्रह्माय स्वाहा तो मेरी जिंदगी हो मेरी तमन्ना हो क्या सच छूटता अशोक
खुशी तुम हो तमन्ना तुम हो जिंदगी तुम हो खुशी तुम हो तमन्ना तुम हो मुझको दुनिया से गरज क्या मेरी दुनिया तुम हो मुझको दुनिया से गरज क्या मेरी दुनिया तुम हो गैर मुमकिन है भुलाना तुम्हें मुश्किल ही नहीं अब तुम्हारे सिवा मेरी कोई मंजिल ही नहीं नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं काम नहीं है जो मेरी वजह से रुक जाए ऐसी कोई बात नहीं अशोक बाबू शादी के पहले साल तो तमाम जिम्मेदारियों से लापरवाह हो जाना चाहिए और आज तो पहले ही देना है आप बेफिक्र तशरीफ ले जाइए मैं यहाँ का सब कुछ संभाल थैंक यू वेरी मच मिस्टर नारायण बेस्ट ऑफ लक बाय बाय कौन रीना जी अरे भाई तुम घर जा पहुंची तभी ये तो ठीक है ना कौन है तुम खूब रही अरे भाई मैं अशोक बोल रहा हूँ तुम्हारा हस्बैंड बकवास बंद करो मेरे हस्बैंड तो घर पर ही हैं अच्छा तो आपके हस्बैंड घर पर हैं तो फिर हम कौन हुए शट अप खूब रही अच्छा किया ये मजाक खैर कोई बात नहीं मैं अभी आता हूँ रीना रीना अरे भाई कमाल किया खूब नाटक खेला तुम खैर कोई बात नहीं शादी के बाद कुछ दिन तक तो ऐसे नाटक खेले ही जाते हैं कौन है तुम यहाँ क्या रहने आए बस भी करो जाने मन मान गया मैं तुम्हारी अदाकारी तुम्हारी कसम तुम्हारी नदाओं ने ही तो पद्मा को बुला दिया मैं कहती हूँ वहीं रुक जाऊँ वरना मैं शोर मचाऊंगी ना कर तुम्हें मार मार के यहाँ से निकाल दे तुम्हें क्या हो गया सीधे से मान जाओ वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी पुलिस हाँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लगता है मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा इस तरह बढ़ते रहे शर्म नहीं है अगर मेरे पति ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे कौन हो तुम कौन है
बहन जी आप इसलिए बात ना हो यहाँ भाई के दफ्तर में बहुत ज्यादा काम था। जाज ने आपको भी जानता है? कौन है ये? नारायण जी ना जाने इनके दिमाग को क्या हो गया, अपनी जान में मुझसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई। दादी ये कौन सा है? ऊपर क्या नहीं कहते? ताज्जुब है, आप मेरे घर में सबको जानते हैं मुझे ही नहीं। ये है मेरी मिसेज रीना, मेरे पार्टनर मिस्टर नारायण, वो मेरा नौकर गरीब दास और बंदे को अशोक कहते हैं। ये क्या बकवास है? अशोक मैं हूँ। अशोक साहब? मिस्टर नारायण, अशोक मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए। ये क्या माजरा, ये क्या बकवास है? जोश में ना ही अभी फैसला हुआ है। आपके कोई जो भाई था? नारायण जी क्या बात है, आप दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती है कि कोई भी धोखा खा सकता। मेरा कोई भाई भाई नहीं है, समझे? खूब रहा ये मजाक। रीना ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं सच कहता हूँ कि अशोक मैं हूँ, ये नहीं है। यू शट अप। बोलो तुम धोखेबाज। आसाने की कोशिश ना करो, छोड़ दो इन्हें। बहुत देर से हम शराफत का बर्ताव कर रहे थे। अशोक बाबू आप फौरन पुलिस को लाइए, मैं इसको यहीं देखता हूँ। अच्छा भाई, मेरे समझ में सब तुम्हारी साजिश है। इतने दिन तक तुम मेरे साथ धोखा करते रहे, नमक हराम कुत्ते जलील। एक तो दिन धारे दूसरों घरों में कब्जा करना चाहते हो और फिर ऊपर से आके दिलाते हो। मिस्टर नारायण लगता है तुम मुझसे उस दिन का बदला ले रहे हो जिस दिन मैंने तुम्हें स्मगलिंग करने से रोका। लेकिन याद रखो अशोक दुश्मन के दांत खट्टे करना जानता है। मैं देखता हूँ तुम कैसे पास निकलते हो। पुलिस इन्होंने तो मेरे साथ बेवफाई की है, लेकिन कानून नहीं करेगा। हर डॉक्यूमेंट में मेरे सिग्नेचर है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, पुलिस कहने तक तुम बिल्कुल चुप रहो। आप लोग क्या झगड़े में पड़ गए? और वहाँ मुझे शॉपिंग पर जाना है। आपने मेरे चाचा से देख लिया था ना? ओहो वो तो मैं भूल ही गया था। कैसे यार? ये देखो अशोक से मैंने दस्तखत करानी है, बाकी रकम तुम खुद भर लेना। मक्का कमीने, चेक पर भी मेरे सिग्नेचर कर दिए तुमने। ये रहा वो बदमाश। आप दोनों को देखकर असली नकली की पहचान ही मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब इस सवाल का जवाब आप मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब मैं इस घर की मालकिन हूँ और ये है मेरे हस्बैंड। इंस्पेक्टर साहब इनकी हिम्मत तो देखिए, ये दिन धड़े यहाँ घर में पहुँच गए। वो तो अच्छा हुआ कि अशोक साहब घर में मौजूद थे, वरना ये हम सबको धोखा दे जाते। तो जनाब आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ और ये तीनों फ्रॉड है। ये चोरी आदमी झूठ बोलता है। मेरे मालिक तो ये है जिनका पिछले 11 साल से मैं नमक खा रहा हूँ। इंसाफ को तो मैंने आज ही दे दिया। आप चुप रहिए। देखिए साहब इन दोनों को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। मैं अपने मालिक के कदमों की क्या पहचानता हूँ। इंस्पेक्टर साहब अभी अगर कुछ शक बाकी है तो खुद ही बुलवाइए। क्या कहूँ सब बुलवाइए, अभी फैसला होता है। नहीं साहब चेक को लेके आओ। इंसान तो अक्सर धोखा देता है नारायण जी, मगर कुत्ता कभी बेवफाई नहीं करेगा। करेक्ट। जैकी चलिए साहब बहुत हो गया। इंस्पेक्टर लेकिन मैं अशोक की बातें थाने में होंगी। शरीफ आदमियों को ज्यादा परेशान मत कीजिए, गिरफ्तार कर लो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब ये जुल्म है, ये इंस्पेक्टर साहब नारायण के बच्चे मैं तुम्हें को खुला मत छोड़ना। जब तक इंजेक्शन का असर बाकी है वो किसी पर भी हमला कर सकता है। ले जाओ इसे। एक्सक्यूज मी डॉनी, आज से ये सारा खराब हुआ है। हम इसके मालिक हैं। हम अशोक। ये सब मिस्टर नारायण की साजिश है। वो लोग सब फ्रॉड है, वो सब झूठे हैं। मैं अशोक हूँ। ठीक है, क्या सच है क्या झूठ है इसका फैसला अदालत करेगी।
हेलो बॉस, बहुत बुरी खबर है। क्या है? अशोक पुलिस के हाथों से भाग निकला। भाग निकला? ये बहुत बुरा हुआ। तुम उसका पीछा करो, किसी भी सूरत में बच के जाने ना पाए, समझे? ओके बॉस। मैंने उसे पकड़ने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो मुझे मारकर भाग गया। ये अच्छा नहीं हुआ। अगर इस दौरान उसकी मुलाकात प्रेमिला या उसके भाई से हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रीना की शादी के बाद प्रमिला अशोक से नफरत करती है, वो उसकी सूरत देखने के लिए भी तैयार नहीं। वैसे बॉस, हमें पहले से ज्यादा मुहतात और चौकन्ना रहना चाहिए। राइट। मुबारक हो इंस्पेक्टर साहब, हमें गंगू बदमाश का वजह मिल गया और ये रही इसकी फोटो। अरे ये तो वही बदमाश है जो हमारे हाथों से भाग निकला। अच्छा, काश ये तस्वीर हमें पहले मिल गई होती तो हम उसको बेड़ियां डालकर बनगादी में यहाँ लाते। इंस्पेक्टर जोशी, तुम शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। सर। और ये खबर पब्लिक में जल्दी पहुँचा दो, और इसका आज ही रेडियो पर ऐलान हो जाना चाहिए। लेकिन गुनाह। आपके लिए क्या रहा साहब, आपके लिए क्या रहा मेरा। अभी अभी आपने फिल्म फैसला में मुकेश का गाया और उषा खन्ना का सुरबद्ध किया गाना सुना। अब एक जरूरी ऐलान सुनिए। आज सुबह शहर की पुलिस ने मशहूर बदमाश गंगू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो अपने एक हमशक्ल के घर पर नाजायज कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था, मगर बदकिस्मती से गंगू पुलिस के हाथों से फरार हो गया। भागते वक्त उसने काले रंग का सूट पहन रखा था। उसका कद 6 फीट, बाल घूंघर वाले और जिस्म घटीला है। तमाम शहरियों को सूचित किया जाता है कि गंगू बदमाश से होशियार रहें और उसे गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करें। अरे अशोक बाबू, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप और इस थर्ड क्लास होटल में। अरे चेंज आ गए होंगे। क्यों अशोक बाबू, कभी कभी छोटे बड़े सभी होटलों में आना चाहिए। क्यों अशोक बाबू? ठीक है तो प्रवीण। अच्छा, लेकिन अशोक बाबू क्या बात है, आज आप कुछ घबराए वैसे नजर आ रहे हैं। नहीं तो है? मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। लेकिन अशोक बाबू, आज हमारा भी तो आपसे मिलने का टाइम है, आ जाए ना ऑफिस में। भाई जरा देख के तो चलो। आई एम सो सॉरी। अशोक बाबू, आपने हमको एक हफ्ते के बाद बुलाया था, कुछ स्कीम की बात थी। स्कीम? देखो प्रेम पुजारी, मैं बहुत दिनों से तुम्हें वॉच कर रहा हूँ। तुम अशोक बाबू की शराफत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। कमाल करते हो मेरे लाल, मेरा मतलब है नारायण बाबू, हमारी स्कीम बहुत अच्छी है, डेफिनेट प्रॉफिट होगा। अगर आप लोग सुन लेंगे तो आप लोगों की वो क्या आंखें खुलेंगी। सुनो, हां जी, मैंने कहा था मगर मुझे आप एक महीने बाद मिलो, क्योंकि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब आपने क्या बदल लिया है जी? बदतमीज कहीं के। कमाल है भाई जी, इन्होंने क्या बदल लिया है? एक हफ्ते से एक महीने पे चले गए, अब न जाने क्या क्या बदल दिया है। नारायण साहब की कृपा हुई तो महीने से साल पर पहुंच जाओगे, मेरी मानो तो ठंडे ठंडे यहाँ से चलो। इन तिलों में कोई तेल नहीं है। हांजी ब्रह्मचारी जी, मुझे मेरी फिक्र नहीं है। हांजी मुझे तो चिंता अशोक बाबू की है, ये शनिचर उनको चिमट गया है ना, अब तो भगवान ही भला करेंगे। वी आर वेरी सॉरी भगवान। जरा मुश्किल है, अगर होशियारी से करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी। बॉस, रीना ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अशोक कैसे सिग्नेचर किया करता था, उसे खाने में किन किन चीज़ों का शौक था, उसे सिर्फ चाय पीने का शौक था, मगर प्रमिला के हाथों की चाय तो वो बार बार पिया करता था। वेरी गुड, वेरी गुड। अशोक अगर उनके घर में छुपा है तो पता चल जाएगा, और अगर नहीं छुपा है तो भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, वो गाना तो तुम्हें याद कर ही लिया होगा, क्या बोलते हैं उसके, जो अशोक गाया करता था। नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं। मेरे लाल,
फूल मूंगफली के छिलके। वाह बेटा, 4 बज गए, सुबह से एक दाना पेट में नहीं गया। कुछ खाने को लाओ। घर में खाने को कुछ नहीं है। What? खाने को कुछ नहीं है, इसका मतलब है फाका होगा। कोई चांस नहीं। कल जो रोटियां बचाई हैं, वो कहाँ है? वो मैंने कुत्ते को फेंक दी। कुत्ता कहाँ है? हाँ जी, धोबी घाट में। कुत्ता धोबी घाट में? तो फिर अब हम क्या खाएंगे? इसीलिए तो कहता हूँ प्रेम पुजारी कि प्रेम का चक्कर छोड़ दो। और क्या पकड़ो? हाथ में चिमटा पकड़ो और पुजारी बन जाओ और सारा जीवन मजे में व्यतीत करो। वाह गंडेरी के छिलके, मुझे लाइन पर लगाकर अपनी लाइन क्लियर करना चाहता है, लेकिन कान खोल कर सुन ले, डॉली मेरी है और मेरी ही रहेगी। जो जुल्म करता है इस बुढ़ापे का तेरा बाप, क्या रखा है इस खाली कलस्तर में? कलस्तर में बैनर ही बैनर है, पिक्चर में कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है? हाँ जी। क्या कहा? पिक्चर जा रहे हो? निकालो किराया। किराया तो नहीं है मेरे लाल। मेरे लाल? कौन मेरे लाल? दरअसल बात ये की इंडिया कलाम है जी। क्या कलाम? हाँ जी। तकिया तो जानता हूँ, मगर ये कलाम क्या हुआ? तकिया में से सलाम। अरे भाई ने सलाम भेजा है। सलाम समझे? सलाम वलाम समझे? चलो किराया निकालो। किराया निकालता हूँ, निकालता हूँ। निकालिए बड़े भाई साहब। निकाल रहा हूँ भाई। हाँ माफ कीजिए, मैं आपकी समझा था। शाची किराया तो नहीं है। किराया नहीं है, ये तुम्हारे बाप का मकान है। आपका किराया नहीं है? अगर 7 दिन के अंदर किराया नहीं मिला तो समझे कैसे किरायेदार मिले हैं? चक्कर लगाना पड़ता है सुबह से शाम तक। अबे जल्दी मेरे को पकड़, वरना मैं सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक चक्कर लगाता रहूँ। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुए नहीं कहते हैं। परमिला, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। न जाने रीना ने मुझ पर क्या जादू कर दिया कि मैं अंधा हो गया और अनजाने में मैं मुंह कुछ कर बैठा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या लेने आए हो? अपने गुनाह की माफी जाने, गुनाह बख्शवाने। जब से होश में आया हूं दिन रात तड़पता रहता हूं। कई बार सोचा कि मैं तुमसे आकर मिलूं, मगर हिम्मत ना हुई। सच कहता हूं परमिला, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए उतनी मोहब्बत है जितनी की पहले थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो परमिला। औरत तो शायद मर्दों की बातें सुनने के लिए पैदा हुई है। भगवान ने हमें जबान दी, अगर चलाने का हुक्म नहीं दिया। कितने आराम से औरतों के अरमान कुचल डालते हो तुम लोग, और कितने ही आराम से आके माफी भी मांग लेते हो। मर्द की नजर में तो औरत एक खिलौना है। जब जी चाह तोड़ दिया और जब जी चाह गले लगा लिया। परमिला, मैं जानता था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, और मैं इस काबिल हूं भी नहीं। तुम्हें तो चाहिए था कि मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देती, मगर तुमने ऐसा ना किया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कुछ जगह बाकी है। अशोक बाबू, किसी को अपना बना लेना तो आसान बात है, मगर अपना बना के भुला देना औरतों की बस की बात नहीं। हाँ, शायद मर्दों के लिए मामूली बात है। परमिला, परमिला, अपने हाथों से मुझे चाय नहीं पिलाओगी? बैठी हूँ, मैं आती हूँ। जी, ये क्या कर रहे हो? ये अरे रमेश भैया को भी भूल गए? ओ रमेश भैया, ओ ये अच्छा। हाँ, ये अजीब बात है, सचमुच मैं सब कुछ ही भूल गया था। न जाने औरतें मर्दों पर क्या जादू कर देती हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर कोतवाल? क्या हो गया तुम्हें? जी कुछ भी नहीं, चोर चोरी है और कोतवाल कोतवाल ही होता है। अब मैं अब होशियार बनने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। जी चोरी क्या मतलब? मुझ पर साबित करना चाहते हो कि तुम सब कुछ भूल गए, मगर आज वो गाना सुने बगैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ गाना? कौन सा गाना? वही नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं। अरे ये गाना, ये गाना तो मैं बहुत अच्छा गाता था। तो सुनाओ ना। सुनाता हूँ। नाज था जिस पर मेरे। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कहता था ना कि सुरीना की बच्ची ने मुझे न जाने क्या खिला दिया, मेरी आवाज बैठ गई। खैर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। नाज था जिस पर मेरे सीने में।
नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं, नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं, अब ये शीशा किसी तस्वीर के काबिल ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ के मेरी कोई मंजिल ही नहीं, नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं। फेर ली मुझसे नजर अपनों ने बेगानों ने, फेर ली मुझसे नजर अपनों ने बेगानों ने, मेरा घर लूटा मेरे घर के ही मेहमानों ने, मेरा घर लूटा मेरे घर के ही मेहमानों ने, जो मुझे प्यार करे ऐसा कोई दिल ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ के मेरी कोई मंजिल ही नहीं, नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं। बहल जाए ख्यालात का रुख मोड़ सकूं, दिल बहल जाए ख्यालात का रुख मोड़ सकूं, मैं जहां बैठ के हर अहद वफा तोड़ सकूं, मैं जहां बैठ के हर अहद वफा तोड़ सकूं, मेरी तकदीर में ऐसी कोई महफिल ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ के मेरी कोई मंजिल ही नहीं, नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं। जहाँ सोग में है आज फिजा भी चुप है, वो जहाँ सोग में है आज फिजा भी चुप है, किसे फरियाद करूँ अब तो खुदा भी चुप है, किसे फरियाद करूँ अब तो खुदा भी चुप है, ये वो अफसाना है जो सुनने के काबिल ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ के मेरी कोई मंजिल ही नहीं, नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं, अब ये शीशा किसी तस्वीर के काबिल ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ के मेरी कोई मंजिल ही नहीं, नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल ही नहीं। चोरों की तरह क्यों भागा है? मैं और तुम्हारे घर से क्या कह रही हूँ, मैं तो तुम लोगों को मुंह दिखाने का भी नहीं रहा, क्या वो बदमाश तुम्हारे घर भी आ पहुंचा? कौन बदमाश? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। प्रमिला, क्या चंदन तुम मुझे अपने घर में सुना दे सकती हूँ? पुलिस चोर की चिड़ी पुलिस कि मैं पुलिस के हाथों से भाग निकला और उस गंगू बदमाश के सारे इल्जाम निपट लग गए। उस दिन से आज तक मैं मारा मारा फिर रहा। लेकिन तुम्हें यहाँ फौरन आ जाना चाहिए। सोचा तो मैंने कई बार, मगर शर्म के मारे मैं आपके यहाँ आ ना सका। खैर कोई बात नहीं, अब तुम यही रहो और मैं आज किसी अच्छे वकील से मिलकर इसके बारे में सलाह करूंगा और कार्रवाई करूंगा।
बड़ा अजीब केस है। वाकई भैया, उस बदमाश से तो मैं भी धोखा खा गई। ये तो खैरियत है कि मैंने उसे गाने के लिए कहा, और जब वो बेसुरा गाने लगा तो मैं चक्कर में आ गई और वो नर्वस होकर भाग निकला। लेकिन वो यहाँ करने क्या आया था? सिर्फ मेरी तलाश में। बड़ा होशियार गैंग है मिस्टर उमेश। अच्छा तो तुम लोग बैठो, मैं कपड़े बदल गया। मुझे तो डर लगता है, क्या पता तुम असली हो या नहीं। ठीक कहती हो, मैं सोचता था कि बददुआ में कोई असर नहीं होता, मगर मैं आज अच्छी तरह महसूस कर रहा हूँ कि इसमें बहुत असर होता है। मैंने तुम्हारा अपमान किया था ना, तुम्हारा दिल दुखाया था ना, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, और आज मैं वही सजा अच्छी तरह से भुगत रहा हूँ। ऐसा न कहो अशोक, ऐसा न कहो। परमिला, क्या सोच रही हो, चाय नहीं पिलाओगी? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथों की चाय पिए हुए। मैं तो भूल ही गई थी। बेवकूफ थोड़े ही, वो जानते हैं कि हम बहुत दिनों बाद मिले, और फिर हम बातें तो कर रहे हैं। जानते हो मुझे तुम्हारे लिए कितनी बातें सुननी पड़ी। क्या? मैंने तो तय ही कर लिया था कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर जब मैं सामने आ गया था तो तुम्हारी सूरत देखकर मुझे तरस आ गए। अच्छा लो चाय पी लो, फिर मैं और भैया पुलिस स्टेशन जाएंगे, समझे? क्यों? जब तक तुम अपने हाथों से मुझे चाय नहीं पिलाओगी ना, मेरी समझ में कोई बात आने वाली नहीं। जी मिस्टर अशोक। जी भाई साहब, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ आपकी भी जरूरत पड़े, तो मैं किसी को भेज के आपको बुलवा लूंगा। तो चलो प्रमिला, चलो। Thank you.
मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक, इंस्पेक्टर साहब जरा आइए। मैं हेलो मिस्टर, देखिए इंस्पेक्टर साहब यहाँ की हालत। ये तो मैंने देख ही लिया, लेकिन आपके अशोक साहब कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वही ना वही बात, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे वो वहां से भाग गया होगा। जनाब ये वही बेरुपया है जो लोगों को घरों में घुसता है और उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है। मैं उन्हें आपसे ज्यादा जानती हूँ, मुझे तो लगता है वो बदमाश यहाँ भी आ पहुंचे और उनकी हाथापाई जरूर हुई होगी। पता नहीं क्यों नदी में छलांग लगाई मेरे लाल ने। अबे वही मियां बीबी का झगड़ा। अबे ए, ए, क्या है पुजारी, मैं तुझसे कहता हूँ कि डॉली का चक्कर छोड़ दे। मेरा क्या है, जवान आदमी हूँ, 100-200 झटके तो यूं ही सह जाऊंगा, पर तू एक ही झटके में चित हो जाएगा और किसी दिन तेरी लाश भी यूं ही कीचड़ में मिलेगी, समझा? अबे चपल कंचू, ये सब तेरी गाली करतूतों का नतीजा है। तुझसे कहा था कि शादी का कार्ड मत चला, देख लिया ना, आ गया 7 फीट का आदमी खटिया पे, आ गया ना। अब तो आया भाई साहब, पर अब करना क्या चाहिए? खैर वो मेरा काम है, मैं सोचूंगा। सोचिए। वाह 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 प्रेम पुजारी वाह, आ गई। कौन है? तू इनका ख्याल रख, मैं रीमा देवी को जाकर खबर देता। अबे उसे देवी नहीं कहना, देखिए बाएं हाथ का छापा पर, समझे? उसे बाई जी कहना या मैडम कहना? कहूंगा। कोई औरत खुलेआम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझा प्रेम पुजारी? औरतों के मामले में मर्दों को बहुत संभल के चलना चाहिए। सही कह रहा है, की हालत देख कर मुझे भी ऐसा ही एहसास होता। अच्छा ख्याल रखना। हाँ जी आया। क्या हुआ प्रेम पुजारी? माफ कीजिएगा। अरे बात क्या है? बताता हूँ, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है मेरे लाल। अब मेरा मतलब है घबराने की कोई जरूरत नहीं, भगवान ने तुम्हारे स्वाह को लूटने से बचा लिया। क्या बकरा है? बकरा नहीं हूँ, इंसान हूँ। देखिए ना मेरी दाढ़ी है ना सिंह है, जो कुछ कहूंगा सही कहूंगा। अपने अशोक बाबू क्या छलांग लगाइए, बिल्कुल इंडियन हीरो की तरह, और हमने भी बिल्कुल इंडियन टार्जन की तरह पानी में कूद के उसको बचा लिया। क्या हुआ? इनकम टैक्स वाला आया। अशोक बच गया। अशोक बाबू बच गए, कुछ बुरा हुआ क्या? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी रोना है, रो मारिए मत रो। अब समझा, ब्रह्मचारी ठीक ही कहता था कि मियाँ भी झगड़ा तो होता ही है, नहीं नहीं, लेकिन ऐसा भी झगड़ा क्या कि बीवी विधवा होने पर उतारू हो गया, नहीं नहीं, समझो कि अपने अशोक मर गए और तुम विधवा हुई, तो ऐसी भरी जवानी में। वाह मेरे लाल, तुम और यहाँ, अरे कपड़े कब बदले और होश में कब आए? रीना क्या बात? अशोक अभी तक जिंदा है। अशोक अभी तक जिंदा है? इम्पॉसिबल। अरे आप लोगों को क्या हो गया? रीना जी अशोक बाबू तो सामने खड़े। कहाँ है अशोक? मुझे तो दिखाई देते हैं, आप लोग आंखों का इलाज करवाइए। ये क्या? ये अशोक नहीं है, समझे? अशोक नहीं है, समझ गया। मेरी अक्कल जरा मोटी है और आपकी पिस्तौल जरा छोटी है, इसको जेब में रखिए तो मैं कुछ अक्कल की बात करूं। अब बताओ। बताता हूँ अशोक बाबू, हमारे घर में दोष पड़े हैं। ये सही है? बिल्कुल 101%। अगर यकीन हो तो चल के देख लीजिए। चलो। मेरे लाल घबराहट में रास्ता भूल गया, कहाँ से जाना बात? इधर से चलिए, आप पहले। अच्छा जी, अशोक बाबू मैं कहा हूँ प्रेम पुजारी के घर में। प्रेम पुजारी के घर में? हाँ जी। और प्रेम पुजारी कहाँ है? आपके घर में। हाँ जी। वो क्यों? अजी वो बात यह है ना कि आपको जरा तैरने का शौक हो गया था, वो इत्तला देने गया है। अशोक बाबू मैंने सुना था शादी के बाद आदमी को बड़े मजे आते हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि आदमी को खुदकशी करनी पड़ती है। हाँ जी सुनो। हाँ जी ब्रह्मचारी। हाँ जी। एक कप चाय का पिलाओगे? अजी एक कप क्यों, मैं 2 कप पिलाऊंगा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी लेके आया। हाँ जी ब्रह्मचारी।
अरे आप कहाँ चले गए थे और इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदल लिए? लीजिए गरम गरम चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे कहाँ है वो? कौन? अशोक बाबू मेरे लाल। अबे तेरी आंखें तो ठीक है। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, ये अशोक बाबू नहीं है। ये अशोक बाबू नहीं है तो क्या? भूत है, भूत है। काप मत, भूत नहीं है, ये तो यमराज के छोटे भाई मिस्टर गंगूराम तेली। हो गया मेरे लाल। बकवास बंद करो गंगू। लगता है कि अशोक मौके की नजाकत समझ के भाग निकला। तुम्हारा सब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए, डरपोक भाग गया है, जायदाद पर मजे उड़ाइए। भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आया। हर बात समझने की कोशिश मत किया कर, ये मामला जरा झटके का है, समझा? क्या बात? बस मेरे ख्याल में इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि राज इन दोनों पर खुल चुका है और ये दोनों हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब रिवाल्वर निकालिए। बेवकूफ मत बनो, दो आदमियों का खून छुपाना मामूली बात नहीं। हुजूर, हुजूर, हम दोनों तो कुत्ते हैं, कुत्ते। जिसने हमारे सामने हड्डी डाल दी, हमने उसी के सामने दुम हिलाना शुरू कर दिया कि वो ब्रह्मचारी। मगर भाई जी अपने दुम कहाँ है? इस दुनिया में हर गरजमंद आदमी बगैर दुम का कुत्ता होता है, कुत्ता। क्या समझे? प्रेम ठीक कहता है, आदमी मौका शनास है, काम आएगा। गंगू, इन दोनों के मुंह में चांदी का ताला डाल। चांदी की क्या जरूरत है मेरे लाल? मेरा मतलब मेरे बॉस। कागज का भी चलेगा? कागज का क्यों चलेगा? चलने की चीज है भाई, सब तो जरूर चलेगा। हाँ जी, प्रेम अपनी कीमत बताओ। सौदा करूं या एक भाव? एक भाव 10,000 रुपीज। 10,000? क्यों, बहुत ज्यादा है क्या? तुम भी तो 10 लाख के मालिक बनने वाले हो मेरे लाल। चुप होता है ना, पर आप बोलिए ना कुछ। ओके, डन 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 डन। तो निकालिए एडवांस। अरे भाई, मगर तू किसको भेज रहा है, मुझको कि खुद को? बाजार बहुत गर्म है, फिर सबको समझा दूंगा तुझे। हाँ तो हुजूर, फिर एडवांस निकालिए क्योंकि कड़की बहुत है। देखो प्रेम, कल ऑफिस में ठीक 11 बजे। कल ऑफिस में? अच्छा, तो फिर बस का भाड़ा ही देते जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे किसी से डर हो गया, हो मुझे किसी से डर हो गया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तुम फिर आ गया? आया नहीं, आया नहीं, इज्जत से बुलाया गया है, बुलाया गया है। आज माल मिलने वाला है। ओ मैन, तुम रोज हमारा मगज खाता है, माल मिलेगा, माल मिलेगा। हम बोलता हूँ मिस्टर नारायण तुमको कुछ भी नहीं देना सकता, वो तुम्हारा खाल खींच लेगा। तुम तो मेरी खाल मत खींचो, वो जब खींच लेगा हम देख लेगा, हमारा खाल बहुत मजबूत है। अरे माल तो उसके बाप को देना पड़ेगा। What? Yes. You mean his father? हिंदुस्तानी में बाप। Oh, उसका फादर तो मर गया। उसका फादर मर गया तो मर जाने दो, लड़का से काम चलाएगा। अभी तुम देखो उनको आने दो, हम कैश लेके बताएगा, कैश। और डार्लिंग, तुम कौन सा स्कीम चलाया? यही बात तो बुरी है ना, औरतों को स्कीम के बारे में नहीं पूछना चाहिए। कीप सीक्रेट, अंडरस्टैंड? कीप सीक्रेट। अगर तुमको माल मिलेगा तो तुम क्या करेगा? हमारा घर में तुम्हारा पार्टी करेगा। अगर नहीं मिलेगा तो? तो तुम्हारा घर में हमारा पार्टी करेगा। ओह नो। अच्छा नो, तुम बहुत क्लेवर है। मैं और मत करो। समझ गया, समझ गया। भाव आ गया, चलो फुटो। वेरी गुड, वेरी गुड। बराबर 11 o'clock, बिजनेसमैन को ठीक वक्त पर आना मानता। मेरे लाल निकालो माल। यू शट अप। प्रेम पुजारी, अंदर चलो। चल चल पीछे। अच्छा कितना दूं? मैंने कल ही कहा था 900 सौदेबाजी, पूरा 10,000। फिलहाल इसको 1,000 रुपया दे दो। ओके बॉस। 9,000 का क्या होगा? अच्छा, हर महीने 1,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट, समझे? पहले माल तो निकालो, फिर समझ में आएगी। लेकिन राज राज ही रहे। ये लो। थैंक यू मेरे लाल। मेरे पास देखो। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अगर बात बाहर गई तो गोली सीने के बाहर होगी। कमाल है, इंस्टॉलमेंट एक देते हो और सस्ते दो दो रखते हो। आइंदा के लिए कुछ बचा के रखो। बॉस, अगले महीने 11 o'clock, इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम। चपड़ा सी का
नोट को क्या देखता है? साहब को देखो और फराम करो। फराम? चलो जल्दी फोटो, बहुत जरूरी काम है। डार्लिंग, हाउ स्वीट, कितना माल? नो हिंदी, टॉक इंग्लिश में। डार्लिंग, तुमको क्या हो गया? ठीक से बात करना मांगता, अपना मदर टंग में बात करना मांगता। नो माँ का टंग, जब तक हमारे पास पैसा है हम बाप का टंग में बात करेगा। डार्लिंग, तुम इंग्लिश का टांग क्यों तोड़ते हो? आज हमारे पास बहुत माल है, हम किसी का भी टांग तोड़ना सकता है, तुम्हारा भी टांग तोड़ना सकता है। बोलो आएगा मम्मी के साथ? नो मम्मी, नो मम्मी, मम्मी का क्या आचार डालेगा, तुम अकेला आना मत। अकेला? बिल्कुल आएगा ना। ओके ओके आएगा। टाटा टाटा। फिर पार्टी? बाय बाय। केक? टाटा। फेस्टी? ब्रह्मचारी, ओ यू ब्रह्मचारी, कम ऑन जल्दी इधर आओ। ब्रह्मचारी सुनता नहीं है? ए ब्रह्मचारी कम ऑन जल्दी आओ। Why you come out there? Come here and do me salam. Wah, mere bhai. No, bhai, no, brother. You are my chamcha and I am your kharcha. Follow me, follow me. Come here. See my waistcoat ka pocket and take my talashi. You idiot. Only dekhne ko bola, lene ko nahi. To bech aaye khud ko aur apne imaan ko. Nonsense. न हमने अपने आप को बेचा है न अपने ईमान को। अपने पास बहुत मजबूरी बढ़ गया था, थोड़ा मजबूरी बेच दिया। मजबूरी नहीं गद्दार, तूने अपने मालिक की जिंदगी बेची है, उसकी आबरू बेची है। तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरी चुल्लू भर पानी? वाई डूब मरना चाहिए? मेरे लाल, जो अपने को पैसा देता है हम लोग उसका चमचा है। अशोक बाबू हमको पैसा देता था, हम दोनों उसका चमचा था। आज नारायण इन कंपनी ऐसा नया नया नोट देता है, हम दोनों उसका चमचा है। अपना नाम ले, मेरा मुंह को काला करता है। कुत्ते मैंने बहुत देखे मगर तुझ जैसे नहीं, जो लात खाने के बाद भी तुम्हें लाते हैं। मुंह संभाल के बोलो ब्रह्मचारी। लानत है तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर। अगर तुम में गैरत नहीं है तो मैं जाता हूं यहां से और जिंदगी भर तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगा, समझे? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, तुम मुझे छोड़ के मत जा मेरे यार, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकूंगा। अगर तू कहता है तो मैं नोटों को फाड़ देता हूँ, तुझसे ज्यादा नहीं ये नोट मेरे लिए। ये बात हुई ना भैया, मैं इन नोटों को फाड़ने को नहीं कहा, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि चोरों का माल खाना कोई पाप नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, और क्या लिखा उस पुस्तक में? अरे गोली मारना उस पुस्तक की। हमें अशोक बाबू की पूरी मदद करना है, परमला बहन जी और उनके भाई जी के साथ मिलकर बदमाशों को जेल भिजवाना है। जरूर भिजवाना है, जरूर जेल भिजवाना है। तू यहाँ है, मैं परमला बहन जी के साथ सलाह मशवरा करके आता हूँ। सुन, जरा जल्दी आना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। प्रोग्राम? हाँ, इन नोटों को ठिकाने लगाना है ना। हाँ जी। वाह जी। रमेश बाबू, रमेश बाबू, प्रेमिला बहन जी, बहन जी। अरे प्रेमचारी। नमस्ते बहन जी। बहुत दिनों के बाद दिखाई दी, कहाँ थे इतने दिनों? क्या बताऊँ बहन जी, हम लोग बहुत बड़े गोरख धंधे में फंस गए थे। अब वो मैं आपके लिए एक बहुत बुरी खबर लाया हूँ। खबर? कैसी खबर? वो अशोक बाबू के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। वो तो मैं भी जानती हूँ। है जी, आप जानती हैं और आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपको तो अभी तक नारायण कंपनी को जेल भिजवा देना चाहिए था और उस गंगू तेली के बच्चे को फांसी के फंदे पर लटवा देना चाहिए था। और क्या नाम है उसका, रीना, रीना को गोली मार देनी चाहिए थी। मेरा मतलब है कि इन सब लोगों को पूरा मजा चखाना चाहिए था बहन जी। हाँ, ये सब इतना आसान नहीं है ब्रह्मचारी जितना तुम समझते हो। इसीलिए तो आपके पास आया था, नहीं तो मैं खुद ही सब कुछ कर लेता। बड़े बड़े लफंगे थे मगर इन तीनों जैसे फांदेबाज मैंने नहीं देखे। अजी दिन दिहाड़े लोगों की आंखों में धूल झोंक देते हैं। आप माफ कीजिएगा, अजी कानून तक से नहीं डरते। मगर आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, अशोक बाबू के लिए हम लोग अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। हाँ जी, भैया ने तो पूरी कार्रवाई की थी। हाँ। मगर ऐन मौके पर अशोक बाबू के भाग जाने से पुलिस को उन पर ज्यादा शक हो गया है। अगर तुम्हें कहीं मिल जाए जी तो उनसे कहना प्रमिला तुम्हें बहुत याद करती है। जी प्रेमिला जी, मुसीबत में तो पता ही नहीं चलता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। न जाने बेचारे कहां मारे मारे भटक रहे होंगे। बहन जी मुझे तो ऐसा लगता है कि हो ना हो आपकी बद्दुआ लग गई उन्हें। ऐसा ना कहो, मैं तो उनके लिए दिन रात दुआएं मांगती हूँ। अरे रे, आपने तो अपना मूड खराब कर लिया। मैं तो आपको तसल्ली देने आया था बहन, आपका दिल दुखाने थोड़ी आया था। अपना दुख तो बर्दाश्त कर लेती हूँ मगर उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता। अब आप अपनी सब चिंताएं हम लोगों पर छोड़ दीजिए,
मैं और प्रेम पुजारी मिलकर ऐसा चक्कर चलाएंगे कि कम वक्तों को छठी का दूध याद आ जाएगा। अगर वो बड़े फांदेबाज है ना तो हम भी बड़े। माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से इतनी बड़ी गाली निकल रही थी। अच्छा नमस्ते जी। अरे चाय तो पीकर जा। ना, आज तो मेरा कुछ और ही मूड है। आपके यहाँ तो चाय अब जब पियेंगे जब अशोक बाबू हमारी बहन को मिल जाएंगे। मगर देखिए उस दिन सिर्फ पार्टी से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट क्लास पार्टी चाहिए हमको। है जी, चल शरीर के। है जी, नमस्ते। मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गया? अपना घर तो यही था कहीं, किधर खिसक गया? यहाँ तो कोई शादी वादी का प्रोग्राम है। अबे आजा 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 अपने घरे। हाँ जी आजा। हाँ जी हाँ जी। क्यों बेटा, चंदिया देख कर थाप खा गया? ये क्या दिख रहा है? नोट। अरे मैंने तुझसे कहा था ना 3000 रुपयों को ठिकाने लगाना है, उसका काम मैंने चालू कर दिया है। तो क्या मेरी डॉली आ गई? चुप है, भाभी बोलते हो शर्माती है। भाभी आ गई है तेरी। अरे भाभी होगी तेरी, मेरी तो डॉली लग गई। मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना। अरे खोपड़ी में बाल नहीं है। मेरा गुस्सा तेरे मालूम है? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, हम दोनों जब प्यार से बात करते हैं ना तो इसी तरह बात करते हैं। ये ले सीता ले जी, ये ले पुंगी ले ली, और ये कपड़े ले और जा बदल के आ जा। कपड़े? अच्छा, चल डार्लिंग। किधर चल डार्लिंग? अम्मा आती मेरे छोड़। चल डार्लिंग, जा मैं बदल के कपड़े में संभालता हूँ जब तक इसको। हाँ जी जाना। हाँ जी। और डार्लिंग तुम्हारी, थैंक यू डार्लिंग, तुम हमारे वास्ते कितना खर्चा करता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है डार्लिंग, ये तो मैं अपनी शादी की रिहर्सल कर रहा हूँ, समझे? ये झंडिया है ना झंडिया, इसकी जगह झंडे होंगे, और ये फुके है ना फुके, इसकी जगह फुग्गा होगा, और इतने दीप जलाऊंगा शादी वाले दिन, इतने दीप जलाऊंगा कि लोग समझेंगे आज की वाली है दिवाली। मगर डार्लिंग तुम जरा मेरे करीब आकर मेरे दिल का दीप जला दो ना। अरे हाय जलाओ दीप, चरागा करो जमाने में। अरे बहार आई है मेरे गरीब खाने में, समझे मेरे लाओ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा आज मेरे घर आई, ओ मेरी महबूबा आज मेरे घर आई। अरे नोटों के हार इसको पहना दो यार, एक परी आसमां से उतर आई, मेरी महबूबा आज मेरे घर आई। चाहता हूँ मैं इसको दिलो जान से, चाहता हूँ मैं इसको दिलो जान से, इसकी खातिर मैं दुनिया से टकराऊंगा। देखने वाले मुंह तक दे रह जाएंगे, इस हसीना को मैं लेके उड़ जाऊंगा, इस हसीना को मैं लेके उड़ जाऊंगा। प्यार लेके मेरी हम सफर आई, ओ प्यार लेके मेरी हम सफर आई, एक परी आसमां से उतर आई, मेरी महबूबा आज मेरे घर आई। शादी होगी हमारी बड़ी धूम से, शादी होगी हमारी बड़ी धूम से, बैंड बाजे बजेंगे मजा आएगा। और जब भी गुजरेंगे हम बन के दुल्हा दुल्हन, शहर में एक हंगामा हो जाएगा, शहर में एक हंगामा हो जाएगा।
आज बरसों की उम्मीद पर आई, हो आज बरसों की उम्मीद पर आई, एक परी आसमां से उतर आई, मेरे महबूबा आज मेरे घर आई। लग न जाए किसी मन चले की नजर, लग न जाए लग न जाए किसी मन चले की नजर, मैं रखूंगा इसे तो जहां से परे, चांद पर होगा बंगला मेरे चांद का, इस जमी से अलग आसमां से परे, इस जमी से अलग आसमां से परे, मेरी मंजिल मुझे अब नजर आई, ओ मेरी मंजिल मुझे अब नजर आई, अरे नोटों के हार इसको पहना दो यार, एक परी आसमां से उतर आई, मेरी महबूबा आज मेरे घर आई, ओ मेरी महबूबा आज मेरे घर आई। कंगू के साथ तुम्हें सिर्फ इतना ही ताल्लुक रखना चाहिए कि वो हमारे हाथों में कठपुतली बना रहे, जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, और इसके बाद इस तमाम जायदाद के सिर्फ हम दोनों मालिक रह जाएंगे, समझे? दो ही क्यों, हो सकता उस वक्त मेरी भी कोई जरूरत न रह जाए। रेनू, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जिंदगी में भरोसा करना सीखा तो था बॉस, लेकिन जब समझ आई तो उस बुरी आदत को छोड़ ही दिया। अरे छोड़ दे छोड़ दे, अरे मैं कहता हूँ छोड़ दे, बेइज्जती खराब हो जाएगी। गुड नाइट सर। मेरे लाल कोट छोड़ दे, फट जाएगा तुम्हारे पैसे। अच्छा ठीक है, क्यों क्या बात है राम से? बॉस एक तो भाग गया, दूसरे को पकड़ कर ले आया हूँ, ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं? वो कैसे? आप खुद ही पूछ लीजिए। माँ कसम सारी गैंग में हमको तुम ही एक समझदार आदमी नजर आया, बाकी ये सब मेरे लाल है। मेरे लाल? हाँ, ये मेरे लाल, मेरे बोलने की आदत है, मेरे हिसाब से सब थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, ये बात सही कही आपने, मैं कहना ये चाहता हूँ क्या ये मुमकिन नहीं कि अशोक पद्मा के बगल में होगा? ओह आई एम सॉरी, मेरा मतलब उसके फ्लैट में छुपा होगा। सॉरी, हो सकता है। जब ये हो सकता है तो बड़ी इजी तरीके से हो सकता है कि वो पुलिस की मदद से आप सबको जेल के अंदर बिठा दे, इंक्लूडिंग मेम साहब। व्हाट? यस। बात तुम ठीक कर रहे हो। अरे माँ कसम उस्ताद, मैं जिंदगी भर ठीक बात करता हूँ लेकिन मेरी बात को सुनता नहीं। अब जो बात है वो आप अपने लाल से पूछिए। क्यों, क्या मामला है ये? ये पद्मा के जाकर घंटों से बातें करता रहा। वाह मेरा लाल, और ये नहीं बोलता कि हम उसको कितना देर ढूंढता रहा, आजू के कमरे में ढूंढा, बाजू के कमरे में ढूंढा, नीचे कमरे में ढूंढा, ऊपर के कमरे में ढूंढा, बॉस हम पलंग के नीचे तक ढूंढा, एक घंटा उसको ढूंढा। अशोक का पता चला? अशोक वहां नहीं था। इडियट। फोन की घंटी बज रही है। नो दैट, थैंक यू। हेलो नारायण क्या? बॉस अभी अभी इतला मिली है कि हमारा ट्रक धर्मशाला के करीब पुलिस ने रोक लिया है, और चाय के डब्बों में अफीम पकड़ी गई है, ड्राइवर भाग निकला है। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम फौरन यहाँ चले आओ, क्विक। Got it.
मेरा मतलब है मेरे लाल, आई एम सॉरी माय बॉस, मेरा मतलब है जो कुछ करना है जल्दी कीजिए वरना जेल जाने की तैयारी कीजिए मेरे लाल। आजादी के बाद जेल में बड़ा आराम हो गया है और खासकर तिहार जेल में तो फर्स्ट क्लास पंजाबी खाना मिलता है, तंदूरी मुर्गा। अरे वाह प्रेम पुजारी वाह, क्या आइडिया आया है बॉस, ऐसा आइडिया आया है कि सब किसा बच जाएंगे। बताओ क्या आइडिया, पहले मेरे पीठ ठोकिए, दोनों एक साथ बताना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या तैयार पकड़ा है बॉस, गंगू को जेल भेज दीजिए। अरे भी कोर्ट फट जाएगा भाई, मजाक नहीं, कोर्ट आइडिया बुरा नहीं। आज का छापा पड़ने के बाद पुलिस अशोक को गिरफ्तार करना चाहती है, गंगू को नहीं, और तुम गंगू नहीं हो समझे। लेकिन मैं तो गंगू हूँ, बेवकूफ कहीं का, इस वक्त तुम अशोक हो, इस घर के मालिक। मेरे लाल इतनी मोटी बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आती। अरे भाई अशोक को यहाँ ले आओ, अपना बोरिया बिस्तर बांध और खेत जाओ। हाँ हाँ जरा ठंडे से, जरा ठंडे से। अरे भाई तुम तो ठहरे पैदाइशी आवारा, हाँ हाथ मत मार, आराम से फुटपाथ पर जिंदगी गुजर जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। क्यों बॉस, तुम तो समझदार हो। बात पते की अगर किसी सूरत से अशोक को यहाँ वापस लाया जा सके तो सारी मुश्किल टल जाएगी। फिर पुलिस जाने और अशोक, गंगू के झुंडी उसके सर पर और अशोक के घर उसके घर। देखा गंगू, इसको कहते हैं भेजा यानी कि ब्रेन। मगर बस अशोक को कहा ढूंढा जाए, कमाल है मेरे लाल, बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में। अरे भाई तुम्हारे पास तो काफी स्पेयर पार्ट हैं, उसे लेना है ना, वो पार्ट चलेगा, वो जमाना साज औरत है और इतना सा काम भी अगर वो न कर सके तो लानत है उसके जमाना साजी पर। मेरे लाल सॉरी मेरे बॉस इस वक्त वो कहा है ऊपर, बस पांच मिनट में पटा कराते हैं। आया आदमी पते कमाना देवी, क्या पते प्रेम पुजारी? रीना देवी बॉस की इज्जत जरा गड़बड़ में कान लगी कान। ये काम तो नहीं कर सकते हो मेरे लाल, मेरा मतलब है मैडम। हो जाएगा, तुम जाओ। प्रमिला बहन, तुम यहां क्या लेने आए हो? मुझे माफ कर दो बहन, माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत सताए, मैं अब अपने करने का फल भोग रही हूं। वाकई मुझे मेरे पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभाव की बात है रीना, इच्छु हमेशा टंकी मारता है। अब ज्यादा शर्मिंदा ना करो बहन, मुझे अशोक बाबू का पता बता दो। एक औरत के सामने देवी का रूप धार क्या हो रीना, ये मत भूलना, मैं तुम्हारी जहर की तैली को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मर्द भले ही तुमसे धोखा खा जाए लेकिन एक औरत औरत से कभी धोखा नहीं खा सकती रीना। क्या मतलब? तुम नकली आंसू बहाकर मुझ पर असर डालना चाहती हो, मगर मुझे तुम्हारे आंखों में फरेब के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। प्रमिला तुम नहीं, ये तुम्हारा जख्म बोल रहा है। मोहब्बत की बाजी हम दोनों ने खेली थी, एक की जीत हुई और दूसरे की हार। इसे हार नहीं कहते, धोखा कहते हैं, जलालत कहते हैं। मैं सोचती थी भगवान ने औरत को बनाया घर बनाने के लिए, दुनिया बसाने के लिए, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है मेरा ख्याल गलत था। औरत नागिन बनकर अपने पति को ढस भी सकती है, उसका खून कर सकती है, उसका कफन अपने हाथों सी सकती है। एक वक्त था रीना कि हिंदुस्तानी समाज में स्त्री को देवी माना जाता था, मगर आज आज हमें तितली कहकर पुकारा जाता है। किसकी वजह से? तुम जैसी औरतों की वजह से। तुम औरत नहीं हो, नारी जाति पर एक धब्बा हो, समाज के माथे पर एक कलंक हो, मगर याद रखो रीना, पति को धोखा देने वाली औरत जिंदगी भर तड़पती है, जिंदगी भर तड़पती रहती है। मिला मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने जानती थी कि तुम अशोक से इतना प्यार करती हो। सचमुच मैं तुम्हें अब तक धोखा दे रही थी, अशोक की मौत बनकर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम्हारी प्रेम ज्वाला ने मेरे फरेब को भस्म कर दिया। मैं वादा करती हूँ अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। अशोक तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा,
भगवान ने चाहा तो रीना का ये रूप तुम अब कभी नहीं देखोगी, कभी नहीं देखोगी। रीना की वजह हम बाद में पूछेंगे, पहले ये बताओ कि जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था वो किया कि नहीं? नहीं, और ना कभी करूंगी। अशोक तो क्या, अब उनके सारे का भी पता नहीं चलेगा तुम लोगों को। गरीब और बेगुनाह इंसान को मुजरिम बनाया, उसके घर पर कब्जा किया और अब उसकी जान लेना चाहते हो? मैं अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगी। रीना क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे, एक औरत को नागिन बनाकर उससे क्या हो गया है तुम्हें? बहुत दिनों तक तुम्हारे हाथों में कठपुतली बन बताती हर कदम के खेल खेल, लेकिन अब ये खेल नहीं खेलूंगी। सारे एक बार जुर्म करने के बाद इंसान इस दुनिया में सिर्फ मुजरिम बन के रह सकता है। तुम कौन से ख्वाब देखने लगी? ख्वाब नहीं, हकीकत समझ में आई है। आज मैंने औरत का असली रूप देखा है। एक वो देवी है जो हर कदम के दुख उठाने के बाद भी अशोक के लिए दुआएं मांगती है, और एक मैं पापन हूँ जो उससे शादी करके भी बेवफा निकली। अरे उससे शादी हुई तो क्या हुआ, आखिर पत्नी तो तुम मेरी हो। इसीलिए और मुझे खुद से बकवास, अगर अभी अपने जज्बात पर काबू ना पाया तो ये पिस्तौल तुमसे बात करेगा। याद रखो, जब तक जिंदा रहोगी तुम्हें मेरे इशारों पर नाचना होगा, समझी? गंगू चलो, चलो देखता हूँ सावित्री को। प्रेम पुजारी और ब्रह्मचारी, उन दोनों को क्या हुआ? पुलिस पकड़ कर लिया गई। व्हाट अरेस्टेड? यस। ओह गॉड, अभी क्या होगा? मैं उनकी जमानत देनी होगी। जमानत तुम दे दो। मैं जारी, तुम तो जानती हो कि मैं 10 नंबरिया हूँ, पुलिस मेरी जमानत नहीं लगी, जमानत तुम्हें देनी होगी। मेरी जमानत दे सकती है? 10%। कहाँ जा रही हो? ओ मैं पुलिस स्टेशन इधर है। नहीं डाली, मैं देने वाला पुलिस स्टेशन उधर है। अच्छा चलो चलो।
मैंने आपसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। क्या बकते हो, मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। वो जो दोनों है ना आपके प्रेम पुजारी और ब्रह्मचारी वो तो अपने दोनों बरखुरदार हैं भाई। बरखुरदार नहीं, अति बदमाश है। माल आपका खाते हैं, काम करते हैं अशोक का। क्या कहा? मैंने आज अशोक को मार दिया होता, लेकिन नजर वो दोनों बदमाश कहाँ से आज दबके और मेरा ये हाल बना गए। और तुम उन दोनों मस्खरों से पिटके यहाँ चले आए हैं? नहीं बॉस, मैं अपनी शराबत में रह गया। नहीं तुम दबा हल करता, वो हल कर। मैं तो कहता था वो दोनों बड़े सख्त बदमाश हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। तो अभी भी क्या बिगड़ा है? ये लो पिस्टल भैरो और दोनों को खत्म कर दो। अब किस बात हुई ना बॉस, मैं शाम की चाय तब पीऊंगा जब तक कि दोनों को मार ना दो। बस क्या भैरो उन दोनों को खत्म कर सकेगा? क्या समझते हो तुम उसे? कयामत तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों ने होटल में आके आफत डाल दी? नहीं भाई साहब, आपने तो हम लोगों की जान बचा ली। आप तो देखता है भाई साहब, मेरे लाल तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। देखो ना उस पापी चंडाल को किस तरह चिल्ला रहा था, हमारी तो जान ले लेता। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा ठीक है, जाओ काम करो। काम हो तो करें। भैया मेरा भेजा तो बिल्कुल फ्लॉप किया है, समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें भाई साहब। जल्दी सोचो, वो फिर आ जाएगा। कहाँ जाए, किधर जाए, कहाँ जाकर छुपे? मैं बताता हूँ। इधर आप आते हैं, आते हैं। आपकी आवाज कभी आया? तुम भैरों से छिपना चाहते हो? आसान तरकीब है, जेल चले जाओ। जेल? हाँ जेल चले जाओ, दो टाइम की रोटी मुफ्त और भैरों से भी छुटकारा मिल जाएगा। भाई साहब जेल, दो टाइम की मुफ्त रोटी और भैरों से छुटकारा, मगर मेरे लाल जेल जाएंगे कैसे? आसान तरकीब है। ताला बंद है, क्या ख्याल है? तो फिर देखते क्या हो? चलो बस। प्रेम पुजारी राजमोहन से कोई आ रहा, शोर सुनकर कोई आ ही नहीं रहा। ताला तोड़ो, ताला तोड़ो। ये ताला आपने तोड़ा है? हमने तोड़ा है जी हाँ, चोरी करने के लिए। बुलाइए पुलिस को, बुलाइए पुलिस को। अजी क्या बात कर रहे हैं, मैं तो कल से इस ताले के लिए बहुत परेशान था। इस ताले की चाबी गुम हो गई थी और मैं सोच रहा था किसी ताले वाले को बुलाकर इसे तोड़वाऊं। आपने मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है। आइसक्रीम खाएंगे आप? आप पर तो उपकार किया है लेकिन अपना बेड़ा गर्क कर दिया है। वो कैसे? बस तुम नहीं जानते मेरे लाल। ताला संभाल लो प्रेम पुजारी, हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया। भगवान जी क्या है? अरे ये बहुत है। भगवान भगवान भगवान। राम राम चाचा। राम राम। आज सुबह सुबह बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं, क्या बात है? क्या कहूँ बेटा, दांत में बहुत दर्द है, जरा डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर की दुकान तो बंद है आज। अबे अंधे, दिखता नहीं? अरे अंधा तू, तेरा बाप नहीं देखता तो क्या है? तो
अबे तुझे भी नहीं दिखता। हम लोग बदमाश है, हमको ले चलो, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह बदमाश। इन्हें जाने दो। अरे ये लोग तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। ये देखो, रात भर कम वक्त ने सोने नहीं दिया। इनकी एक ही थप्पड़ से दांत बाहर और दर्द गायब। अरे कुछ दूध जले भी खाओगे? नहीं खाएगा दूध, नहीं पिएगा जलेबी। कोका कोला, कोका कोला। प्रेम पुजारी मेरे लाल। मैं क्या सुनियो, एक नजर हमारी तरफ भी फेंको ना। क्या चाल है? उठे है सनम तो फिर क्या है, हमको भी बनाना आता है। हिम्मत से काम, फिकर नोट, फिकर नोट। अरे पलट, तेरा जान किधर है रे भाई? अरे बोल, तेरा मकान किधर है रे भाई? घूंघट दिखा दे मुखड़ा, चांद से भी उजला। अरे हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा, चांद से भी उजला। हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा, चांद से भी उजला। रखती हूँ शर्मीली जवानी मैं घूंघट की छांव में, रखती हूँ शर्मीली जवानी
हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा चांद से भी उजला। अरे हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा चांद से भी उजला। हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा चांद से भी उजला। सदियों से आशिक हूँ तेरा दिल में आग पुरानी। सदियों से आशिक हूँ तेरा दिल में आग पुरानी। तेरी जवानी के सदके इस आग को कर दे पानी। इस आग को कर दे पानी। आग को कर दे पानी। हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा चांद से भी उजला। अरे हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा चांद से भी उजला। हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा चांद से भी उजला। अपना हाथ छुड़ा लो। अपना हाथ छुड़ा लो। अरे हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा चांद से भी उजला। अरे हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा चांद से भी उजला। हटा दे घूंघट दिखा दे मुखड़ा चांद से भी उजला।
बंद कर लो। अरे मा
साल पी जाना चाहते हो? मौके की बात है, अब तुम आ ही गए हो, चलो इस समाते। बैग बहुत भारी है, उठा नहीं सकोगे। लाओ यार। क्या मतलब है, पूरा मारहोप करना चाहते हो? लूट में और क्या होता है गंगू, तुम्हें खूनी हो, पुलिस से बचाकर मैंने तुम्हें यहाँ जगह दी है, अगर मैं चाहूँ तो अभी फांसी हो सकती है। मैं भी यही सोचता हूँ कि फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले एक खून और कर लूँ और वो तुम्हारा। खबरदार आगे मत बढ़ो वरना गोली मार दूंगा। अब चलाओ गली में, देखो तुम्हें दावत खराब।
में चोट तो नहीं आई अशोक? उस्तादों ने इसे चला की तुम्हारा हिसाब जो चुकाना है मिस्टर नारायण। अच्छा दुनिया से दोनों साथ जा रहे हैं। बाबू और यदि का बड़े कैसा पड़ा हुआ है पापी, मुझे चाचार मर गया पत्थर दूरा डाली नो डार्लिंग। अभी भाभी बोलने का सुना भाभी 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 जिंदगी तुम हो खुशी तुम हो तमन्ना तुम हो जिंदगी तुम हो खुशी तुम हो तमन्ना तुम हो मुझको दुनिया से गरज क्या मेरी दुनिया तुम हो मुझको दुनिया से गरज क्या मेरी दुनिया तुम हो गैर मुमकिन है भुलाना तुम्हें मुश्किल ही नहीं अब तुम्हारे सिवा मेरी कोई मंजिल ही नहीं नाज था जिस पे मेरे सीने में वो दिल भी नहीं अब ये ईशा किसी तस्वीर के बाद के मेरे